मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में बेटा आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 9। और जैसा कि मैंने प्रश्न नंबर 2 में आपको बताया था, 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम और सत्यता की जांच कराई थी। बाकी के क्वेश्चन भी बेटा उसके उसी तरीके से हैं। ये बेटा तीसरा क्वेश्चन, 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये भी उसी का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें सत्यता की जांच नहीं करनी है, केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो बहुत ही आसान है, तो देखें बेटा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिख देंगे, चूंकि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है बेटा, सबसे पहले अपन लिख देंगे 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। बहुत ही आसान है, कहीं भी आपको देखो मैथ में तो कहीं भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप टेंशन फ्री रहें, मैथ की तरफ से जो बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है वो तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि मैं तो आपको डरावना भी विषय है। तो बेटा देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे 12, 15 और 21 इन तीनों को बेटा लिख देंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मौखिक ही पता चल जाएगा। दो दूनी चार किया 12। ठीक है बेटा, 15 का हो जाएगा 3 गुणा 5, 21 का 3 7 21 यानी कि 3 गुणा 7। ये बेटा इनके हो गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया और इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं कि एचसीएफ में जो कॉमन होता है, अब यह 3 लाइन है तो तीनों लाइनों में कॉमन होना चाहिए, 10 लाइन होती तो बेटा 10 लाइन में कॉमन होना चाहिए, 2 लाइन है तो 2 लाइन में कॉमन होना चाहिए। और एक और बात बता देता हूं, चलिए बात, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें कॉमन क्या होता है, 1। क्योंकि वी नो दैट एंड यू नो दैट, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि सबका मालिक एक होता है बेटा। ठीक है, तो इसलिए एक तो सब जगह उपस्थित है बेटा। ठीक है, तो बेटा कॉमन एचसीएफ में क्या लेते हैं, कॉमन, और कॉमन तीनों लाइनों में होना चाहिए। तो देखते हैं, दो दो से शुरुआत करते हैं, दो ऊपर वाली लाइन में क्या और भी लाइनों में है, तो आपका उत्तर क्या है, नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं तीन, तीन इस लाइन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कितने तीन के कॉमन आ रहे हैं, एक है, इसमें भी एक तीन का कॉमन आ रहा है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद तीन के बाद और तो कोई तीन का कॉमन है नहीं, उतार दो बेटा। पांच, पांच इस लाइन में लेकिन औरों में नहीं है इसलिए बेटा पांच भी नहीं लिखेंगे। सात इस लाइन में है लेकिन बेटा औरों में नहीं है इसलिए सात भी नहीं लिखेंगे। तो एचसीएफ क्या हो गया, 3, क्योंकि एचसीएफ में सिर्फ क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन, और तीनों लाइनों में जो है वो है सिर्फ 3, इसलिए एचसीएफ आ गया बेटा 3। समझ में आ गया होगा पक्का। अब आ जाइए एलसीएम पे। एलसीएम में मैंने आपको एक बात बताई थी, चाहे कॉमन है या नहीं है सबको लिखो। ठीक है, सबको लिखते हैं बेटा, तो एलसीएम में सबको लिखेंगे। ठीक है, चाहे कॉमन है या नहीं है। अब देखो बेटा, और उसमें भी एक कंडीशन है, जिस लाइन में जो ज्यादा है उस लाइन से लिखते हैं। जैसे दो के मान के चलो ऊपर वाली लाइन में ज्यादा है तो ऊपर वाली लाइन के लिखेंगे और किसी लाइन के नहीं लिखेंगे, दो के, जिस लाइन में ज्यादा है जो चीज जहां से ज्यादा मिलेगी उसको अपन हासिल कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब दो के किस लाइन में जा रहा है, ऊपर वाले में, कितने दो के हैं, दो, दोनों दो के उतार हुआ। तीन के किस लाइन में जाता है, हमने देखा इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो एक तीन का उतार दो, चाहे किसी भी लाइन से ले लो आप, एक तीन का उतार दो। उसके बाद तीन के बाद बारी आती है बेटा पांच की, पांच के किस लाइन में जा रहा है, एक ही पांच का उतार दीजिए आप। ठीक है, सात दिखाई दे रहा है, सात किस लाइन में जा रहा है बेटा, इसी लाइन में, एक ही सात का है, आप ये भी उतार दीजिए बेटा। समझ आ रहा है कि नहीं, सबको लिखते हैं एलसीएम में सबको, और जिस लाइन में ज्यादा है उस लाइन से लिखते हैं, फिर दूसरी लाइन के नहीं लिखते, जिस लाइन में ज्यादा है सिर्फ उसी के लिखेंगे।
तो दो दूनी चार, तिया बारह, पंजे साठ, साठ गुना सात करूंगा तो जैसा कि आप हो 420। ठीक है, नाराज नहीं होना, मजाक कर रहा हूँ बेटा, आप तो बहुत अच्छे हो। दो दूनी चार, तिया बारह, पंजे साठ, साठ गुना सात करूंगा तो 420। तो बेटा एलसीएम तो आया है तीन और एलसीएम आया है 420। आंसर तो बेटा आपका यहीं पे हो गया है। अगर वो ये कहता, कहा नहीं है, कहता कि सत्यता की भी जांच करें तो अपन सत्यता की जांच कर सकते थे। ठीक है, एचसीएम गुणा एलसीएम बराबर पहली गुणा दूसरी जो भी था। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको अन्य क्वेश्चनों को भी हल कर देना है। एक क्वेश्चन और है तो आप किताब में देख लेने की, 17, 23 और 29 ये अगर मिले तो इसमें क्या है, 17 के बेटा कोई अवाज गुणनखंड नहीं होती, इसलिए 1 × 17 लिख सकते हैं। 23 के भी नहीं होते क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 1 × 23। 29 के भी नहीं होते तो 1 × 29। अगर आपको ये सवाल मिलता है तो 17 के भी कोई गुणनखंड नहीं होते, इसमें बच्चे क्या फंस जाते हैं। ठीक है, भाग देते रहते हैं, गुणनखंड करते रहते होते हैं। तो 1 × 17 23 का भी नहीं निकलता, इसलिए 1 × 23, 29 का भी 1 × 29, क्योंकि एक तो सम होता है बेटा। एचसीएल, एचसीएल का मतलब जो सम में हो, सम में कौन छिपा रहता है, एक, इसलिए एचसीएल तो बेटा एक, क्योंकि एचसीएल में तो जो कॉमन क्या है, और तो कुछ है नहीं, एक, और एलसीएम में सबको लिखेंगे चाहे कॉमन है या नहीं, एक को तो चाहे लिखो चलो तो लिखो। 17 × 23 × 29 इनका गुणा कर लेना, जो भी आए वो आंसर है। आगे बेटा समझे, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा विशेष आसान होता है बेटा, और ये क्वेश्चन विशेष ही सरल होते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा बेटा, आगे की वीडियो में मैं आगे के सब क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। आप पहला, दूसरा, तीसरा ये आप पूरा कंप्लीट कर लें। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं बेटा, 9829660501 इंद्रजीत सर, ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लें बेटा। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहें और मन लगा के पढ़ें, और बस एक ही टारगेट ध्यान रखें कि आपको अपना, अपने माँ बाप का और संस्था का और अपने गुरुजनों का नाम करना है। बस मैं यही चाहता हूँ, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बाकी तो आप जो चाहोगे वो होगा। नमस्कार।